नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। आज हम बात करेंगे आजम खान की। जिस तरह से रिजल्ट सामने आ रहे हैं, आजमगढ़ में बीजेपी के निरहुआ लगातार जीत की ओर बढ़ रहे हैं। आंकड़ा निरहुआ का बढ़ रहा है, बीजेपी का बढ़ रहा है। सीएम योगी बोले हैं कि ये आम जन के विश्वास की मोहर है। जी हां, लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है। यूपी के रामपुर सीट से बीजेपी ने जीत हासिल की है, वहीं आजमगढ़ में भी भगवा रंग चढ़ने जा रहा है। दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ निर्णायक जीत की ओर है। इधर पंजाब के सीएम भगवत मान की सीट रही संगरूर से आम आदमी पार्टी हार गई है। उपचुनाव के लिए 23 जून को वोटिंग हुई थी। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया है और ट्वीट करके जीत को बताया है। आजमगढ़ की जो जीत है उसको ऐतिहासिक कहा। आजमगढ़ सदर लोकसभा सीट पर उपचुनाव के मिली ऐतिहासिक विजय आदरणीय प्रधानमंत्री जी नेतृत्व में डबल इंजन की भाजपा सरकार की लोक कल्याणी नीतियों का सफल है। भाजपा के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को यह जीत समर्पित है। आभार आजमगढ़ वासियों, मतलब पूरी तरीके से स्वागत योगी आदित्यनाथ अब आजमगढ़ में कर रहे हैं। जिस तरह से निरहुआ की जीत सामने आ रही है, अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।